और ये जो बंदा अभी अभी जस्ट पानी में से गिर के उठाया, देखो भाई लिखा भी हुआ है ना सावधान गया। वैसे भाई यहाँ पे नहाने के लिए सिर्फ इस रेलिंग तक है, लेकिन सो हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है 2nd of April। तो आज अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग मींस मैं और मेरे दो फ्रेंड्स हैं जिनको आप जानते हो, साजन और सागर। अबे जल्दी बोल। तो उन लोग के साथ अभी मैं जा रहा हूँ ब्रह्म सरोवर घूमने, बिकॉज साजन के कुछ रिलेटिव्स आ रखे हैं ना, तो उनको ब्रह्म सरोवर पे घुमाना है। तो अभी फिर मेरे पास भी उसको कॉल आया, तो अभी फिलहाल मैं और सागर चलते हैं भाई, पहुँचते हैं फटाफट से ब्रह्म सरोवर पर और फिर उनके रिलेटिव्स को भी घुमाते हैं और भाई थोड़ा इन्जॉय करते हैं लाइफ का। आज संडे है ना वैसे भी, तो घूमने चलते हैं भाई, घर पे भी क्या ही करेंगे। सही बात है। और इधर जूली को देख लो भाई, घर में बोर होती रहती है सारा दिन, कहाँ छुपगी, गुस्सा होगी भाई। ये कहना चाहती है मुझे भी ले जाओ, इसको पता लग गया मैं बाहर जा रहा हूँ। कोई नहीं भाई, किसी दिन मौका मिलेगा ना इसको भी ले जाएंगे, बट वहाँ अलाउड नहीं है, लेकिन इसको किसी और जगह पर ले जाएंगे जहाँ पर डॉग्स अलाउड हो। फाइनली भाई साहब ब्रह्म सरोवर पर पहुँच गए, अब बस हमारा मिशन है भाई उनको ढूंढना जहाँ भी है। वो बात कर रहा है फोन पे, अब भाई जब तक वो नहीं आते तब तक वेट करना पड़ेगा उनका, हमें पहले बुला लिया उसने और खुद आया नहीं अभी तक। भाई बहुत गलत हो रहा है यार तेरे साथ। इधर देखो भाई सभी लोग नहा रहे हैं और ये जो बंदा है अभी अभी जस्ट पानी में से गिर के उठाया, धड़ाम से गिरा जैसे घुसा अंदर। अब पता नहीं भाई कौन से अफसोस में जी रहा है, सोच रहा है भाई करूँ क्या, अब तो भीग गया कुछ नहीं हो सकता, अब तो भीगे कपड़ा सही घर जा बैठा है। एक तो आज भाई संडे भी है ऊपर से, इसलिए इतनी भीड़ हो रखी है यहाँ पे, नहीं तो वैसे इतनी भीड़ रहती नहीं है कभी भी, सिर्फ संडे को ही भीड़ रहती है। ओ मेरा दिल तोड़ने से, गाना भी बढ़िया लगा रखा भाई इसने, सैड सॉन्ग। चलने का वापस, ज्यादा फोन तो उठा नहीं रहा है, हम घर जा रहे हैं भाई, हमें बुला लिया एक तो फोन भी नहीं उठा रहा ऊपर से, 5 मिनट और वेट करते हैं आ जाएगा ठीक है, नहीं तो और वेट कर लेंगे थोड़ा सा। हमें भाई बाहर बुला लिया गया, यहीं कहीं खड़े हैं वो, उन्हें ढूंढना पड़ेगा। ऑर्डर आया कि भाई खा पी के फिर अंदर जाएंगे, उसके बाद घूमेंगे फिरेंगे, क्योंकि भूख लग रही है भाई बहुत ज़्यादा। तोड़ने वाली चीज़ नहीं है, इसको मत तोड़। आइए सर, बड़ी जल्दी आए। और भाई फोटो आ गया, ठीक है क्या लग रहा है, आइए सर अंदर ले जाएगा, चल फिर। सही है भाई, अंदर ही बैठ के पियेंगे आराम से, पानी के साइड में ड्यू अपनी। चल भाई। A few inches later, वो देख रहे लंबी डाई मारने गए इकट्ठे, गया। और भाई बता दो नीचे 15 फुट पानी है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का, उसी के ऊपर कूद गया। ये लोग तो भाई सीधा नहाने लग गए, लेकिन हम नहीं नहा रहे बिकॉज इसके पास भी सेम रीजन। तब तक भाई हम लोग एक आधी फोटो खींच लेते हैं, ये भाई पक्का पिटवा के मानेंगे आज। वैसे भाई यहाँ पे नहाने के लिमिट सिर्फ इस रेलिंग तक है, लेकिन ये लोग रूल के अलग ही चलते हैं भाई, उस साइड नहा रहे हैं, कोई नहीं बीच में जाएगा क्या, अरे दूर से ही नजर पड़ जाएगी बीच में पुलिस आ जाएगी, यही ठीक है। देखो भाई लिखा भी हुआ है ना सावधान, रेलिंग से आगे 15 फुट गहरा है। मछली मिल गई भाई इनको, कहाँ है जा जा। बच्चे के मुंह पे लगती सीडीज के, कितने सारे बच्चे आके देखना भाई। चलो भाई अब इनकी फाइनल डाई, इसके बाद घर चलते हैं। चल दूसरा आ जा, ये नहीं डरते भाई किसी से भी, चल बेटे। कैसे आ रहे हैं भाई देखने, जैसे मछली आ रही है एक के पीछे एक। चलो भाई सब घर जाने का टाइम हो गया, अब घर पे चलते हैं। और ये देखो भाई अपनी पूरी गैंग जा रही है पैदल पैदल, बिकॉज इस टाइम हमारे पास बाइक नहीं है, देखो पैसा नहीं है हमारे पास। फाइनली भाई साहब हम लोग घर पर आ चुके हैं घूम फिर के मस्त अपना, और इधर भाई अभी भी इसकी पढ़ाई चल रही है। तुझे क्या प्रॉब्लम है, इतने पढ़ाकू बच्चे ना, ये हमेशा पढ़ते ही रहते हैं और कुछ काम नहीं है इनको पढ़ने के अलावा और रील बनाने के अलावा। रील नहीं बनाई मैंने कभी, यहाँ बनाई थी उस दिन यहाँ पे एक वीडियो पे तेरी 10 रील बना दी मैंने, एक कल परसों अब वो अब पता लगी गलती, तो भाई अब धोखा निकाल रही है। कल मैंने तो एक वीडियो पे 10 रील नहीं बनाई, तो नहीं बनाई हो तो बता दे भाई, कोई नहीं बनाता एक वीडियो पे 10 रील, जिसमें से इसको सिर्फ एक चूज करनी थी, 9 की 9 सेम ऑडियो पे जिसने इसने एक चूज की, बताओ इतनी रील बनवाई इसने मुझसे, कोई सहन कर सकता इतना जुल्म, नहीं मैंने किया।
प्रैक्टिकल बॉस हमें टाइम नहीं लगा बॉस बॉस हमें इससे टाइम नहीं लगा बॉस प्रैक्टिकल हम कैसे बनाते बॉस फाँटते हैं तभी तो ब्लॉग बनता है बॉस समझ नहीं आता इसको बॉस क्या करें यार ये तो ऐसी बोलती रहेगी अब नहीं बोलेगी सॉरी ये सॉरी इसलिए बोल रही है बिकॉज इसने अभी मेरे को इतनी जोर का मुक्का मारा ना कसम से बहुत दर्द हुआ आप उसका रीजन तो सुन लो मैं इसको ब्लॉग में नहीं लेना चाहता था कि भाई हमारी मारपीट होती है बट ये भाग गई रीजन बता दे तू इधर आ जा मैं बताना नहीं चाहता था भाई हमारी मारपीट भी होती है थोड़ी बहुत बच गई हाँ रीजन बता रीजन बता अगर तूने मारा ना बे मजाई इतनी जोर से ना मुक्का इधर आ जा रीजन बता मानसू इधर खड़ी रह पीछे सॉरी कहाँ जाओगे बच्चों लाइट जला देते हैं भाई मैंने तुझे माफ किया गर्ल समझ के नहीं चाहिए तेरी माफी वुमेन तो भाई सीन अभी है कि मेरे पास उन लोग का दोबारा से फोन आ चुका है वो लोग दोबारा से कह रहे हैं भाई कहीं घूमने चलते हैं मन नहीं लग रहा घर पे तो हमने कहा आई एम रेडी तो अभी दोबारा से भाई अभी आए और अभी दोबारा से जा भी रहे हैं बताओ कोई नहीं भाई आज संडे है संडे को एंजॉय करते हैं खुद है ना फाइनली भाई साहब घर से निकल चुके हैं मुझे अब वो लोग यहीं मिलेंगे अपनी कॉलोनी के बाहर तो यहाँ से चल के जाना पड़ेगा ना भाई कॉलोनी तक तो अभी कॉलोनी के बाहर चलते हैं भाई वहाँ मिलते हैं उनसे उसके बाद प्लानिंग करते हैं प्लानिंग तो क्या है जहाँ ले जाएंगे भाई वहीं चल पड़ेंगे हम तो आ चुके हैं भाई अपने बाइकर्स एक पीछे भी है फायदा नहीं हुआ भाई इधर आने का गेट ही बंद पड़ा है खुला ही अरे खुला है यूँ ही ताड़ा लग रहा है यार कैसी बात कर दी तूने बंद है यार नीचे वो लग रही जंजीर देख मोड़ लो भाई गाड़ी बैठ जा कोई नहीं भाई ये देख लेंगे लाइट शो लाइट साउंड एंड शो